वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज वीडियो जो है वो प्लिंथ लेवल कैसे लेना है, प्लिंथ लेवल पे बांधकाम कैसे लेना है, प्लिंथ लेवल कैसे मार्क करना है और कैसे आपको एक लेवल फिनिश करना है कि आपका ग्राउंड फ्लोर कहाँ पे होगा। आप अपना घर बनवा रहे हैं, छोटा सा घर बनवा रहे हैं, बंगला बनवा रहे हैं, G+1 G+2 बनवा रहे हैं, तो कैसे खुद को समझ में आएगा कि मुझे क्या लेवल लेना है। तो सबसे पहले आप रोड लेवल देखिए, ओके वो देखिए रोड लेवल वहाँ पे है, तो वो लेवल से आपको चेक करना है कि मेरा क्या लेवल पे बीम भरा हुआ है, कास्टिंग हुआ है प्लिन बीम। और उसके बाद प्लिन बीम का कास्टिंग भी लेवल देख के ही हुआ है, बट आपको ग्राउंड फ्लोर कहाँ तक देना है। कभी बीम के नीचे भी बांधकाम आता है, कभी बीम के ऊपर आता है लेवल अचीव करने के लिए, जो आपको लेवल चाहिए ग्राउंड फ्लोर का, तो वो कैसे करना है गाइस। और आजू बाजू घर भी देख लेना है क्या लेवल पे, जैसे वो घर है तो वहाँ क्या लेवल पे भरा हुआ है, ओके क्या लेवल पे ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ है, तो वो लेवल से भी आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे ले लें, ताकि जो पानी यहाँ पे बारिश में और अपना जो वेस्टेज का पानी आता है वो यहाँ पे जमा हो तो घर के अंदर इंटर ना हो, ओके। तो वो हिसाब से आपको लेवल अप करना है, जैसे जो रोड लेवल है उससे 1.5 से 2 फीट आपको ऊपर रखना है जो ग्राउंड फ्लोर का लेवल है। जैसे यहाँ पे देखिए बीम बीम डाउन है, देखिए ये रोड लेवल है, इससे कुछ भी हाइट नहीं है, समझिए। आप फीलिंग करेंगे तो प्लिन बीम और इसका लेवल रोड का एक ही होगा, तो उससे आपको 1.5 से 2 फीट अप लेना है। जैसे यहाँ पे 2 फीट अप लिया हुआ है, इसका ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो ब्रिक वर्क कितना करना है, जो बीम का साइज़ होगा गाइस, देखिए जो बीम का 200 का साइज़, अगर 8 इंच का बीम आपने लिया है तो आप 8 इंच का ही बांधकाम करिए, पूरा टोटल फ्लश कर दीजिए बांधकाम, ओके, ताकि वो बांधकाम मजबूत रहे। और जो अंदर फीलिंग करेंगे, फिलिंग आपने किया है तो ये प्रॉपर लोड उसका ले ले, तो 8 इंच का बांधकाम नहीं रहेगा। आप सिंगल 4 इंच का करेंगे तो वो लोड नहीं ले पाएगा, बांधकाम गिर जाएगा, ओके। तो आपको 8 इंच का डबल ईट का बांधकाम करना है चारों साइड, ऐसा चारों साइड आपको बांधकाम प्रॉपर करना है, ताकि लेवल आपका अचीव हो जाए ग्राउंड फ्लोर का। और DPC करना कंपलसरी है आपका बांधकाम के ऊपर, जो DPC होता है वो कंपलसरी है लेना, ओके। अभी बांधकाम के ऊपर बात कर लेते हैं कि ईट अच्छा रहना चाहिए आपका, ईट वेट करना है सबसे पहले, बांधकाम करने से पहले ईट को भिगा लेना है। जैसे देखिए वहाँ पे ईट भिगा हुआ दिख रहा है आपको, वो ईट भिगा लेना है आपको। वो ईट भिगाने के बाद आपको माल बनाना है 1:4 का, 1:5 का भी आप बना सकते हैं, ओके। माल बनाने के बाद आपको उसी का मोटर जो बनाना है, मोटर जो होता है 1:4 का बनाना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। जो सांदा है अपना घर बनाने टाइम याद रखिए, सांदा 10 mm का रखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 mm, तो वेस्ट ना हो आपका मटेरियल बचे। और हाइट कम लेंगे तो आपका ईट बचेगा, जो हाइट है वो हिसाब से ध्यान से देख के आपको करवाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दीजिए, ओके। और स्टील जो है बहुत ध्यान देना कि स्टील जो है वो मिनिमम डालें, इंजीनियर से कंसल्ट करके डालें आप, प्लान इंजीनियर सब कुछ थोड़ा सा रहेंगे तो आपका पैसा भी बहुत सारा बचेगा, जो हाइट्स लेना है, जो लेवल लेना है, ओके। तो ये हिसाब से आपका ग्राउंड फ्लोर क्या लेवल लेना है, रोड लेवल से 1-2 फीट 1.5 फीट 2 फीट ऊपर लेना है और PCC कर देना है, ओके। तो ये बांधकाम हो गया, ये लेवल है, ये लेवल आप सब जहाँ घुमा देखिए वहाँ बांधकाम चालू है, तो वहाँ से ये सारा लेवल सारे कॉलम पर निकाल लेना है, इसी लेवल को घुमा के पूरा बांधकाम कर देना है, फिर PCC करना है फिलिंग करने के बाद। सोलिंग PCC भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास रबल अवेलेबल है, नहीं तो आप ऐसे ही PCC धरमूस करके कॉम्पैक्ट करके थोड़ा सा धुरमूस मार के मिट्टी के अंदर PCC कर दीजिए, तो आपका हो गया प्लिंथ लेवल फाइनल, ओके। एक वीडियो दे दूंगा मैं प्लिंथ लेवल पे। तो ये था अपना कि कैसे आपको बांधकाम करना है, कैसे लेवल अचीव करना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ गाइस।